मेटाबोलाइज ऑल दी सब्सटेंसेस। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। ओके, क्यों बेटा नाइट्रोजन के बारे में? क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है और एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन का खासा परसेंटेज है। देखिए ज़रा गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं तो 78% नाइट्रोजन है, जबकि सिर्फ 20% क्या है, ऑक्सीजन है ना। अदर गैसेस मेरे पास जो हैं वो आर्गन हैं और मिसलेनियस गैसेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो कैन यू सी दैट नाइट्रोजन होल्ड्स मेजर पोर्शन ऑफ द गैसेस, है ना। सबसे बड़ा पोर्शन नाइट्रोजन ने होल्ड किया है और इसीलिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हो जाता है बेटा, नेचुरल के लिए भी और एग्रीकल्चरल मतलब जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने बनाया है उसके लिए भी। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो अदरवाइज भी मेरे प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को तीन एलिमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो ये नाइट्रोजन जो प्लांट ने एसिमिलेट किया है, मेटाबोलाइज करके अपने पास रखा है, ये नाइट्रोजन मेरे प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए मुझे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है वो देखना है। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा नाइट्रोजन साइकिल की, है ना। ये नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में बहुत सक्सेसफुली रन करती है, बहुत इजीली आप ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हो कि ऑर्गेनिज़म नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करके मेटाबोलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन को। प्लस कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मेरे सॉइल में भी नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट वन बायो जियो केमिकल साइकिल। वाई बायो जियो केमिकल? बिकॉज एक तो लिविंग में हो रही है, जियो मतलब सॉइल से रिलेशन है इसका। तो जो नाइट्रोजन मैं यहाँ पे प्लांट्स में या प्लांट्स की जड़ों में फिक्स करने वाली हूँ वो उनकी रूट्स में फिक्स करने वाली हूँ, ओके। इसलिए मैंने साइकिल को नाम दिया है बायो जियोकेमिकल साइकिल। सो दिस इज़ द ओवरऑल लेआउट ऑफ द साइकिल। हम एक एक करके सारी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसे माइक्रोब्स फिक्स करते हैं, और इस नाइट्रोजन को जो माइक्रोब्स फिक्स कर रहे हैं वो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में करते हैं। प्लस हमारे लिए देखो मिनरल्स तो सॉइल से ही अब्जॉर्ब होना है ना बेटा, तो प्लांट किसी भी हालत में मिनरल्स सॉइल से ही अब्जॉर्ब करने वाला है, और ये जो मिनरल्स प्लांट सॉइल की मदद से अब्जॉर्ब करेंगे ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, इजंट इट। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, जिसकी एक एक स्टेप को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये अमोनिया जो है दिस इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ NO3 नेगेटिव आयंस, राइट। फाइनल फेट क्या होता है बेटा? फाइनल फेट मेरे पास ये वाला होता है जिसे कोई भी प्लांट अब्सॉर्ब कर पाता है या प्लांट की रूट्स जो है अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो NO3 नेगेटिव आयंस या नाइट्रेट आयंस जो हैं ये प्लांट की रूट्स में इजीली अब्सॉर्ब हो सकते हैं, और प्लांट्स फिर इनको यूज़ करके अपना बायोमास प्रिपेयर कर सकता है, है ना। प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है वो मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगी। फिलहाल में ऑलरेडी जो अवेलेबल नाइट्रेट्स हैं सॉइल में उन्हें कैसे अब्सॉर्ब करना है और उसके बाद उनका फेट क्या होता है वो डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो ये जो प्लांट का बायोमास है ये प्रिपेयर हो गया, रेडी हो गया, इस प्लांट को कंज्यूम किया है मेरे एनिमल्स ने। तो एनिमल्स जब इसे कंज्यूम करेंगे तो सेम वो बायोमास एनिमल्स को ट्रांसफ़र हो गया, है ना। जो नाइट्रोजन मेरे प्लांट्स के पास था वो नाइट्रोजन अब उठकर किसके पास आ चुका है? एनिमल्स के आसपास, एनिमल्स के पास आ चुका है। सो नाउ दिस इज फॉर्मिंग एनिमल बायोमास। उसके बाद दोनों, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों की कभी ना कभी डेथ होगी बेटा। सो वंस दे आर डाइड द सब्सटेंस और द मैटर विल बी स्टार्ट गेटिंग डिकम्पोज और डीके। ये सब्सटेंसेज जो हैं ये डीके होना शुरू होंगे, है ना, मतलब धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होना शुरू होंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। जैसे जैसे ये डीके होंगे वैसे वैसे क्या रिलीज़ होगा बेटा? अमोनिया रिलीज़ होगा, ठीक है। ये अमोनिया जो रिलीज़ हुआ है, इस अमोनिया को हमारे जो कहना चाहिए जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स इस अमोनिया को रखते हैं अपने पास, या सॉइल के अंदर ही अमोनिया प्रेजेंट है, और इस अमोनिया को अब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू, दिस अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू NO2 नेगेटिव आयंस। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है ना। अमोनिफिकेशन क्या है बेटा? अमोनिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट हो गया? दिस अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, राइट, नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दी है, नाइट्राइट,
सो दिस नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये नाइट्रेट फिर से मेरे प्लांट्स अब्सॉर्ब करेंगे। हम भी प्लांट्स को ये नाइट्रेट प्रोवाइड करवाते हैं, और कहाँ करवाते हैं बेटा, कैसे करवाते हैं आप ये नाइट्रेट प्लांट्स को अवेलेबल? आप जब फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, तो जो फर्टिलाइजर्स आप क्रॉप्स को या प्लांट्स को दे रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र आप इसी फॉर्म में देते हैं, नाइट्रेट के ही फॉर्म में हम फर्टिलाइज़र्स हमारे प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं। ये नाइट्रेट्स फिर मेरा प्लांट यूज़ करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, उसका बायोमास बढ़ेगा। इस प्लांट को एनिमल ने खाया, उसका बायोमास बढ़ा, इन द प्रोसेस गोज़ ऑन। इतना साइकिल का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? एंड आई होप दिस इज़ ईजी एंड क्लियर। जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप, अब ज़रा समझना मेरी बात। ये तो एक जनरल प्रोसेस हुई बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमीनो एसिड्स का बनना, ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, या अमोनिया का बनना इज़ कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। लेकिन ये अमोनिया मैं नेचर से भी फिक्स करवा सकती हूँ, ओके, और नेचर से फिक्स करवाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन की प्रोसेस कुछ सिम्बायोटिक और कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज परफॉर्म करते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं लेकिन आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। सॉरी, जो अमोनिया हमारे पास नेचर में फिक्स होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया के फॉर्म में ये नाइट्रोजन अवेलेबल होता है मेरे प्लांट्स के पास, राइट? तो प्लांट्स की जड़ों में ये नाइट्रोजन पहुंचता है, सॉरी अमोनिया पहुंचता है, ये अमोनिया अवेलेबल हो जाएगा मेरे प्लांट को, और फिर इस अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू, मैं कन्वर्ट करती हूँ इनटू नाइट्राइट, और उसके बाद मैं कन्वर्ट करती हूँ उसे किस में, नाइट्रेट। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, राइट? इसके अलावा आई क्लियर इट अ बिट लिटल, राइट? अब शायद क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम आगे के स्टेप को देख रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे कई बार जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 जो है मेरे पास, दिस N2 इज इंडस्ट्रियली फिक्स्ड, एंड इट इज इंडस्ट्रियली फिक्स्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, ओके? इंडस्ट्रीज में एक प्रोसेस है जिसे हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये कमर्शियल प्रोसेस है बेटा, जिस कमर्शियल प्रोसेस में हम जो नाइट्रोजन है अवेलेबल एटमॉस्फेयर में, उसे अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस को यूज़ करती हैं, राइट? तो ये जो हेबर्स प्रोसेस है, इसके थ्रू हमने इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर लिया। फिर से द प्रोसेस इज कंटिन्यूड। नाइट्रिफिकेशन में पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनेगा। नाइट्रेट इज द फेट ऑफ अमोनिया, ओके? अमोनियम आयन्स का जो सबसे लास्ट स्टेज होगा, जो फाइनल फेट होगा, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज नाइट्रेट, और इसी नाइट्रेट को हमारा प्लांट क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, इजंट इट? इसके अलावा नेचर में एक प्रोसेस होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग की प्रोसेस। लाइटनिंग की प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे बारिश के मौसम में बहुत तेज़ बिजली जो डेवलप होती है, कड़कती है, उसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दे गेट कम्बाइंड, ओके? क्योंकि एलिमेंट्स का ब्रेक होना कब पॉसिबल है बेटा, जब आप उन्हें एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें। आपने एनर्जी इम्पार्ट कर दी, एलिमेंट ब्रेक हो गए और बस अब आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या कर दिया, इस नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, और हमने क्या बना दिया, नाइट्रेट। बस ये नाइट्रेट विल बी डायरेक्टली यूज बाय द प्लांट। दूसरी प्रोसेस, अगर ये नाइट्रेट मेरे पास है अवेलेबल, तो जब यूज करना हो तब तो मैं साइकिल का ये वाला स्टेज फॉलो कर लूंगी, है ना? और जब मुझे यूज़ नहीं करना है तो मैं इसे डीनाइट्रिफिकेशन कर दूंगी। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है बेटा NO3 नेगेटिव आयन्स का फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, है ना? NO3 नेगेटिव आयन्स का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। क्यों बेटा, क्यों करना ज़रूरी है? आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे तो यूज़ होना था ना, तो फिर हमने रिवर्स क्यों किया, हमने फिर से इसे नाइट्रोजन में क्यों कन्वर्ट किया? भाई देयर इज़ अ रीज़न। हमें कुछ भी नेचर में से हमेशा के लिए ख़त्म थोड़ी करना है। आपने ख़त्म कर दिया तो ये अगले प्लांट्स को कैसे मिलने वाला है,
आर यू गेटिंग? तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इसे फिनिश नहीं करना है, मैं इसे रखूँगी वहीं पे इकट्ठा करके रखूँगी और अगली साइकिल में मैं इसे यूज़ कर लूँगी। आई होप दिस मेक सेंस। ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है जो हमने समराइज वे में देखी है, वैसे इतना ही आपके सिलेबस में है और इतना ही आप जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब मुझे कुछ बैक्टीरियाज़ के बारे में आपको बताना है जिनके बारे में मैं एक एक प्रोसेस के थ्रू डिस्कस करूँगी। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिटेल। सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देयर इज़ अ फैमिली विच इज़ कॉल्ड एज फेबेसी, राइट? फेबेसी फैमिली क्या है बेटा? फेबेसी फैमिली इज द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स का, वैसे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, लेकिन एट अ लेसर रेट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पी है, ग्राम है, इनके अंदर, इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरियाज हार्बर होते हैं और वो बैक्टीरियाज गठाने बनाना शुरू कर देते हैं। इन गठानों को हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है? ये रूट नोड्यूल्स हैं। ये जो रूट नोड्यूल्स या गठाने जो बनती हैं, इनके अंदर हमारे राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज रहते हैं और ये प्रोसेस बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। That means you are adding hydrogen and addition of hydrogen is what is referred as reduction. तो ये reduction की process हो रही है, ये normally तो biological हो रही है मेरे plants के लिए, specially leguminous plants के लिए, जहाँ पे plant की जड़ों में हम इस ammonia को fix कर देंगे, nitrogen को fix कर देंगे, sorry, और उसके अलावा ये abiological process के form में भी हो सकता है, right? तो major portion would be biological, लेकिन आगे मैं बढ़ूं तो मेरे पास इस कन्वर्टेड अमोनिया को, सॉरी फिक्स्ड अमोनिया को मुझे कन्वर्ट करना है। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू NO2 नेगेटिव फर्स्ट एंड देन NO2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू NO3 नेगेटिव, राइट? NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, ये जो कन्वर्जन है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना? इसे हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। दिस इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। माय प्लांट्स आर गोइंग टू अब्सॉर्ब दिस। दिस इज एंटायरली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल से मेरा मतलब है बेटा जो बिना माइक्रोब्स के नहीं होगी, है ना? बायोलॉजिकल वर्ड से क्या समझेंगे आप? मतलब जो माइक्रोब्स के प्रेजेंस में होने वाली है। तो दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स प्योरली। इसके अलावा इसके बाद की जो प्रोसेस है देखिएगा वो कैसे होगी। नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब है मेरे पास जो प्रोटीन्स हैं इन्हें मैंने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया है। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स का एक जनरल मैं आपको क्राइटेरिया या स्ट्रक्चर बताऊं तो ये मेरा अमीन ग्रुप है, है ना? जिसमें हाइड्रोजन और अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मेरा ग्रुप है, जो एक जनरल अमीनो एसिड है मेरे पास, इस जनरल अमीनो एसिड को बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो अमोनिफिकेशन इज कंप्लीटली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट? मतलब ये भी किसके थ्रू होगा? माइक्रोब्स की मदद से होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा एक बार आपने जब अमोनिया बना लिया है, सॉरी, एक बार जब आपने ये अमोनिया फॉर्म कर लिया है तो इस अमोनिया को मेरे प्लांट्स जो है वो रूट में फिक्स कर लेंगे और इस अमोनिया को हम फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, राइट? अमोनिया डायरेक्टली यूज़ नहीं होता बेटा, अमोनिया प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उन्हें उसे नाइट्रेट के फॉर्म में ही यूज़ करना है, है ना? तो NO3 नेगेटिव का कन्वर्जन N2 में, है ना, सीधा एटमॉस्फेयर। पहले तो तुमने एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? तुमने कन्वर्ट किया था अमोनिया में, फिर तुमने कन्वर्ट किया था NO2 नेगेटिव में, देन यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव को तुमने फिर से कन्वर्ट किस में कर दिया? नाइट्रोजन में। तो ये जो प्रोसेस है, ये लास्ट स्टेप जो है, ये क्या है बेटा? कैसी स्टेप है? दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना? ये प्रोसेस कैसी है मेरे पास? दिस इज ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस कैसी है? दिस इज अगेन रिडक्शन। ये मेरी बेसिक नाइट्रोजन साइकिल है,
है ना। ये प्रोसेस भी एरोबिक हो सकती है, अनएरोबिक हो सकती है, दोनों तरीकों से हो सकती है। तो क्या याद रखेंगे आप, हमारे पास जो अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, दैट कुड बी सॉरी नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो प्रोसेस है प्लस नाइट्रोजन को रिलीज करने की जो प्रोसेस है, ये दोनों कैसी हो सकती हैं, इट कुड बी बोथ ए बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। लेकिन अगर हमारे पास जो बीच की प्रोसेस है विच इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये जो दो स्टेप्स हैं ये कैसी होंगी, प्योरली बायोलॉजिकल। तो ये कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपल्सरीली बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड दे विल गिव यू द स्टेप्स। सो यू नीड टू रिमेंबर, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली समझिएगा। रिडक्शन जहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, और ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। सो रिमेंबर इट दैट वे, ईजी रहेगा आपको, आसानी से याद भी आ जाएगा। वैसे सही बताऊँ तो जो अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना बेटा, दैट इज हाइड्रोलिसिस। आप जब किसी अमीनो एसिड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो उससे अमोनिया रिलीज हो जाएगा। अमोनिया इज़ वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, तभी तो नाम पढ़ा है ना बेटा, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड, ये नाम ही अमोनिया के कारण दिया गया है, ये याद रहेगा इजीली। आगे बढ़ते हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल थी हमारी। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे जो हमें एग्जाम में मदद करने वाली हैं। नाइट्रोजन के एटम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइन करते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या करता है, N2 के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं है, यू नीड एनर्जी। तो या तो ये एनर्जी मेरे बैक्टीरियाज प्रोवाइड कर दें बेटा, है ना, जो बैक्टीरियाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए केपेबल हैं, या फिर इसके लिए मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हीट रेडिएशंस मिल जाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो नेचर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि एक इनर्ट नाइट्रोजन गैस है, इनर्ट क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल है बेटा, बॉन्ड सेटिस्फाइड है ना। अगर बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं तो बट ऑब्वियसली बात है आसानी से तोड़े नहीं जा सकेंगे, और अगर आप उन्हें आसानी से स्प्लिट नहीं कर सकते तो आप कभी भी उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाएंगे कुछ और बनाने के लिए। लेकिन मेरे एंजाइम्स बहुत केपेबल हैं, ये एंजाइम्स या तो सॉइल में फ्रीली मिलते हों, है ना, सॉइल में मिल रहे हों तो फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल हैं, रूट्स में हैं तो दे आर इन एसोसिएटेड फॉर्म्स, है ना, कंबाइंड फॉर्म में है, एसोसिएटेड फॉर्म्स में है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हमें दोनों तरीकों से मिलते हैं। अब इन बैक्टीरियाज को मैं यूज़ करके उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दूंगी इनटू अमोनियम आयन्स विच इज़ NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन्स में तुमने कन्वर्ट कर दिया तो ये अमोनियम आयन्स अब मेरे प्लांट बहुत आसानी से इसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हुए, आर यू गेटिंग, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हुए इसे अब्जॉर्ब कर लेने वाले हैं, राइट। तो जब भी मेरे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करेंगे तो अमोनियम के बाद नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके करने वाले हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता कैसे है, बायोलॉजिकल ए बायोलॉजिकल दोनों तरीकों से होता है। ए बायोलॉजिकल कुड बी नेचुरल और इलेक्ट्रिकल, है ना, ये नेचुरल भी एक तरीके से नेचुरल इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रिकल मतलब आप उसे, जैसे वो जो हमने हेबर्स प्रोसेस पढ़ी बेटा, अभी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है आपको, सिर्फ नाम याद रखना है। तो हेबर्स प्रोसेस में भी हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल फिर से हेबर्स प्रोसेस हो गई विच इज़ आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल में आ गया, हमारी स्पेसिफिक हेबर्स प्रोसेस आर्टिफिशियल में आ गई। नेचर में नेचुरल तरीका मतलब मेरे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि इसे फिक्स कर रहे हों, नेचुरल मतलब बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल मतलब आप समझ गए वो रेनी सीजन वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो। इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल में मेरे पास क्या आ गई, हेबर्स प्रोसेस, जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज ऑप्ट करती हैं जिसके थ्रू दे प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स। बहुत एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो या तो इलेक्ट्रिसिटी हो या हैवी या यूवी रेडिएशंस हो, एक्सेस ऑफ यूवी रेडिएशन विल ऑल्सो कन्वर्ट यूर नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल फिक्सेशन की बात करूं तो हेबर्स प्रोसेस है, नाम था ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये पूरी प्रोसेस डिफाइन की थी, हेबर ही नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे ये प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो प्योरली ऑर्गेनिज्म बेस्ड है, हमारे पास बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया दोनों अवेलेबल होते हैं बेटा जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं,
है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में फिक्स करते हैं। अब देखिए, वी हैव अ स्पेशल प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन, है ना, जो कि मेजरली मेरे सेप्रोफाइट्स परफॉर्म करते हैं। ये सेप्रोफाइट्स किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेंगे। ये मेरा डेड ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। जब ये इसको डिकम्पोज करेंगे ना, तो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग अमोनिया आउट ऑफ इट। एक तो मेथड ये हो गया बेटा, और एक मेथड जो मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग अमोनिया। सभी तो अमोनिया नहीं एक्सक्रीट करते बेटा, कई ऑर्गेनिजम्स अमोनिकल या नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स भी इलिमिनेट करते हैं एज अ वेस्ट आउट फ्रॉम देयर बॉडी। जैसे कौन हो गए बेटा, जैसे मेरे ये यूरिया, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, अमोनिया, अमीनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स, सॉरी, अमीनो एसिड्स, अमीनोटेलिक एनिमल्स, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ये चारों एनिमल्स किसकी कैटेगरी में आ गए बेटा, ये यही एक्सक्रीट, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया नहीं करते सब, है ना। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले सिर्फ अमोनोटेलिक होंगे। मैंने फिलहाल सभी को क्लब करके एक ही में लिख दिया है। सो ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट वॉट, एनी नाइट्रोजनस वेस्ट, और एनी नाइट्रोजनस वेस्ट कैन डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो ये कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेंगे, और ये कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज करेंगे, ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड दिस नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एनी टाइम कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और बस अमोनिया मिल गया, बात ही खत्म। फिर तो आपको पता है कि जो नॉर्मल साइकिल है दैट विल स्टार्ट, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पहले अमीनो एसिड्स बनाते हैं, उसके बाद दे प्रिपेयर अमोनिया, डायरेक्टली अमोनिया नहीं बनता है। देखिए, प्रोटीन्स को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, सो आपका ये कंपाउंड बनता है, एंड दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एनी अमीनो एसिड। अगर याद आता हो तो अभी 2 मिनट पहले मैंने ये फार्मूला बना के बताया था, है ना, जहाँ पे सेंट्रल कार्बन से मेरे पास 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं और एक ही हाइड्रोजन है ना। तो RCHNH2COH, ये मेरा एक जनरल फार्मूला है अमीनो एसिड्स का। तो इन अमीनो एसिड्स में मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक अमीन ग्रुप हो गया और एक NH2 ग्रुप हो गया, सॉरी, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसमें जब वाटर ऐड करोगे ना, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग हो जाएगा विद अल्काइल ग्रुप। RCOH इज योर एंटायर अल्काइल ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना, एंड दिस इज अल्काइल चेन, और ये अमोनिया रिलीज हो गया, isn't it? अब इस अमोनिया को आप यूज कर लीजिए साइकिल में। सो दिस इज व्हाट इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ये करने के लिए मेरे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, जो कि सॉइल बैक्टीरिया हैं, और ये सॉइल बैक्टीरिया, फिर से कहूँगी, सिम्बायोटिक हो सकते हैं बेटा, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग जैसे अजोटोबैक्टर हो गया, और सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम हो गया, और फिर ये इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनियम आयन्स में। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया को नाइट्रेट में करना, लेकिन ये भी एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। जैसे सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमनास, है ना। नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एंड दिस इज डन बाय नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा होगा, नाइट्रोबैक्टर। तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे, या तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास के साथ साथ नाइट्रोकोकस आ जाएगा, है ना, और अदरवाइज नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब क्या, किसकी मदद से बन जाएगा, नाइट्रोबैक्टर। दिस एंटायर स्टेप इज व्हाट इज रेफर्ड एज नाइट्रिफिकेशन। आप देख सकते हैं ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो गई, जहाँ पे अमोनिया को हमने पहले ऑक्सीडाइज किया इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्रेट बाय द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरिया। देख सकते हो बेटा, दोनों जगह पे बैक्टीरियाज को मैंने कंपल्सरीली यूज किया है, और इसीलिए
मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, दैट दिस इज प्योरली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो ये जस्टिफाइड भी है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए दिस इज़ एन एंटायरली बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो दिस इज़ द रिएक्शन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अमोनिया के ऊपर जब आपने ऑक्सीडेशन किया अमोनिया का, नाइट्रोसोकोकस या नाइट्रोसोमोनास एस्परजिलस फ्लेवस, इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर लें, तो यू विल गेट NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, हाइड्रोजन आयन्स विल बी रिलीज, वाटर विल बी रिलीज, एंड इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पे आपकी रिएक्शन होने के बाद एनर्जी विल बी रिलीज। तो सराउंडिंग जो है जहाँ पे नाइट्रिफिकेशन चल रहा होगा, इट विल टर्न टू लिटिल वॉर्म, राइट। थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बेटा, गर्म हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अमोनियम आयन्स आर कन्वर्टेड इन टू नाइट्राइट फर्स्ट एंड देन नाइट्रेट्स, एंड द बैक्टीरिया इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रोबैक्टर, है ना। सो दिस वुड बी द फाइनल रिएक्शन। अगेन दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर से वॉर्म्थ डेवलप होगी और ये जो है दिस विल बी अब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, है ना। अब इसे ईजिली अब्सॉर्ब किया जा सकता है, दैट्स इट। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन डन बाई कीमो ऑटोट्रॉप्स। वॉट आर कीमो ऑटोट्रॉप्स? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। वो जो एनर्जी निकल रही थी ना बेटा, वो एनर्जी कुछ तो वेस्ट हो जाएगी और कुछ ऑर्गेनिज्म को मिल जाएगी, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स को। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज बाय देम फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गो वेस्ट एज अ हीट। सो ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। ये दोनों चीज़ों को हमने लिंक कर दिया है, अमोनियम आयन्स को कन्वर्ट किया है इनटू अमोनियम मोनोऑक्सीजिनेज बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम मोनोऑक्सीजिनेज इनटू नाइट्राइट। इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे इन्वॉल्व है, विच इज़ नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है विच इज़ नाइट्राइट ऑक्सीडोरिडक्टेज। यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड एज अमोनियम मोनोऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम इन बैक्टीरिया में आपको मिल जाएंगे और इन एंजाइम्स की मदद से हम नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं। बस ये नाइट्रेट मिल गया ना बेटा, तो अब आपका प्लांट इसे अब्सॉर्ब कर लेगा और प्लांट इसे यूटिलाइज कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल गेट्स फिनिश्ड अप। उसके बाद लास्ट स्टेप, इनमें से जितना आपको यूज़ करना था, मतलब आपके बैक्टीरियाज को यूज़ करना था, उन्होंने कर लिया, एंड रिमेनिंग को हम डीनाइट्रिफिकेशन पे डाल देते हैं, ताकि जब आप डीनाइट्रिफिकेशन करें बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये नाम याद रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी प्रोसेस कर रहा है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखिएगा। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ये दो बैक्टीरियाज हैं बेटा जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। मतलब जितना भी नाइट्राइट था उसमें से कुछ तो हमारे प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, जो प्लांट्स ने नहीं यूज़ किया वो किसको मिल गया, हमारे वापस से एटमॉस्फेयर में रहने वाले बैक्टीरियाज को, स्यूडोमोनास को। सपोज स्यूडोमोनास ने उस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, अगेन बैक टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, यू कैन अगेन स्टार्ट द साइकिल, राइट। सो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस करते हैं हमारे स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। दिस इज द सीक्वेंस। ये अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट देन कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। कई बार आप NO2 नेगेटिव को NO में कन्वर्ट करके N2O में कन्वर्ट करके फिर से नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन, फाइन। तो डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करवाने के लिए मुझे कुछ बैक्टीरियाज लगते हैं। सपोज स्यूडोमोनास हुआ तो ये NO3 डायरेक्टली नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। स्यूडोमोनास नहीं हुआ, और अगर आपका जो नाइट्राइट था वो नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO में कन्वर्ट हो गया, तो फिर हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड में बेटा। और फिर इस नाइट्रस ऑक्साइड को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, नाइट्रेट में, राइट, सॉरी नाइट्रोजन में। सो दिस इज व्हाट इज माय डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। सो अगेन दिस इज the diagrammatic representation, nitrite, nitrate, again back to the atmosphere, the process is denitrification and is done by soil bacteria. Let us now talk about a question. Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out. Is it denitrification we just discussed?
है ना। नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस है, कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो ये तो बैक्टीरिया का नाम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये अमोनिया को सॉरी नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में प्लांट की जड़ों में फिक्स करने की प्रोसेस है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो वी लेफ्ट विथ ओनली फोर, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। सो द आंसर इज डीनाइट्रिफिकेशन, थायोबेसिलस एंड स्यूडोमोनास, राइट, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। सो दिस इज द एंटायर साइकिल वी जस्ट डिस्कस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, फाइन। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, ज़रा इसे सॉल्व करके देख लीजिए आप। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबेसिलस और नाइट्रोबैक्टर। कौन कौन बैक्टीरियाज क्या क्या करेंगे, जो आपको सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता हो उसे यूज़ कर लीजिए आंसर देने में सबसे पहले। तो फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है इट कन्वर्ट्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। मैं पहले ऑप्शन दिखा देती हूँ क्या, इट कन्वर्ट्स सेकेंड बी का हमारे पास क्या आएगा, फोर, है ना। थायोबेसिलस डी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करता है, आई लेफ्ट विथ वन। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस क्या करेगा बेटा, नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, टू। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कौन करता है, हमारा राइजोबियम, दैट वी हैव ऑलरेडी डन ना। नाइट्रोबैक्टर, वी लेफ्ट विथ नाइट्रोबैक्टर, दैट इज थर्ड, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट है वो, हाँ, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो अब देख लीजिए, टू टू फोर वन थ्री, सो दिस कुड बी द आंसर, है ना। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर वन है या, तो आंसर इज वन, एक्सप्लेनेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सप्लेनेशन हम अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम स्किपिंग दैट, ओके।